तुमने तो कहा था कि मुझ जैसी बदकिदार लड़की से तुम्हें कोई ताल्लुक ही नहीं रखना, तो अब यहाँ क्या कर रही हो तुम? और वैसे भी बहुत देर नहीं हो गई, ये कोई शरीफ लड़कियों के बाहर निकलने का वक्त तो नहीं है। तुम्हारी अम्मा ने कैसे आने दिया अब तुम्हें? हाँ, पूरा मोहल्ला जाग रहा है, यहाँ तक कि मेरी अम्मी भी घर पर नहीं है। क्यों, सब तमाशा देखने गए थे? तमाशा किधर लगा है तमाशा? अरे क्या कह रही हो साजदा, देखो जो भी कहना है ना साफ साफ कहो। तुम्हें वाकई नहीं पता? नहीं। सुना है महजबीन और जाहिद को रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हारी अम्मी ने। यार ना, अम्मा ने? बहुत शरीफ बनती ना वो महजबीन, एक नंबर की मक्कार औरत है। जाहिद ने तुम्हारे साथ बुरा किया था ना, देखो तुम्हारी बदबुआ लगी है उसे, बल्कि उसके साथ साथ उस महजबीन को भी लगी है। आलिया, अब शायद तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस मिल जाए। मैं चलती हूँ। देखो वहां पर कोने में खड़े होकर खुसक पुसक कर रहे, यहाँ आके जवाब दो। तुम लोग जो बड़े बन के आए थे मेरे सामने है, अब जाके उनकी बात सुनो ना, उठाओ इनको और निकाल के फेंको बाहर मोहल्ले से। खामोश, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, उधर ही खड़े रहो। मैं हूं गवाह। आलिया, तू यहाँ पे क्या कर रही है? तुझे तो बुखार था, घर चला भी क्या? मैं रुकने आई भी नहीं और ना मैं इन दोनों की शक्लें देखना चाहती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी और औरत के साथ हो, चाहे वो मुझ पे इल्जाम लगाने वाली की बीवी हो या मेरी धोखेबाज सहेली। और गवाह का इंतजाम भी इन्होंने किया था। अरे आपा, ये सब क्या माजरा है, क्या हो क्या रही है? दाना, क्या हो रहा है? क्या हो गया तुम लोगों को? पागल हो गई बच्ची, चार दिन से इसके सर में बहुत ज्यादा जो था ना दर्द था, बुखार हुआ था इसको, दिमाग पे चढ़ गया है बुखार, इसलिए ऑल फॉल बकरी है। ऐसे क्या पता इतना कुछ हो गया है? अभी तक दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करना आया तुझको? दोस्त और दुश्मन का तो नहीं पता अम्मा, ठीक है गलत किया इन दोनों ने, लेकिन अगर आप इतनी ही नेक और रसूल पसंद थी तो आपने क्यों नहीं बता दिया मोहल्ले वालों को? क्यों पर्दापोशी की इनकी? पर्दापोशी नहीं थी जी, मफाद परस्ती थी, मफाद परस्ती इनकी। चुप कर जाओ, मेरे साथ आए थे इनको यहाँ से बाहर फेंकने के लिए, इनके साथ मिल गए, मरो सारे थाली के बैंगन। अरे कहाँ जा रही है शफे और नाता? रुको, अरे रुको ना,